इसका इम्पैक्ट आईटी कंपनियों पर क्या देखने को मिलेगा? क्या आपको लग रहा है एक अच्छा मौका है फिर इन कंपनियों में तेजी की पोजीशन लेने का? अविनाश, आई थिंक मैं समझता हूँ कि अभी भी शायद एक आध क्वार्टर के लिए क्रॉस करेंसी का इम्पैक्ट हर्षद आएगा, और मोर इम्पॉर्टेंटली बड़ा ट्रिगर जो आईटी कंपनीज को रहेगा वो यूएस की मैक्रो रिकवरी को लेकर रहेगा। मेरे ख्याल से सेकेंड हाफ ऑफ FY16 में आई थिंक हो सकता है कि बिकॉज यूएस मार्केट्स में थोड़ी इंप्रूवमेंट मैक्रो लेवल पर आए तो वो फैक्टर आईटी कंपनीज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। रही बात जो कंपनीज ज़्यादातर यूरोप के ऊपर डिपेंड करती हैं, जैसे टिपिकली टेक महिंद्रा कहिए या HCL टेक कहिए, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से थोड़ा सा दबाव ज्यादा हो सकता है। तो आई वुड से दैट इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स लार्ज कैप में TCS और इंफोसिस, ये दोनों ही शेयर्स मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। आई थिंक बाकी शेयरों के लिए थोड़ा सा समय देना जरूरी रहेगा। टेक महिंद्रा में इनफैक्ट हमने देखा था काफी शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी थी।